एजुकेशन वाली है, हमारे बड़े बड़े इदारे हैं, हमारी हेल्थ के बारे में कहते हैं हेल्थ वाली है, ये लोग और दूसरों को हम क्या करते हैं, इनको हेल्थ हमने दी, इनको एजुकेशन हमने दी, हमें वोट दिया तो पंजाब में बड़े फखर के साथ कहते हैं कहना चाहिए नहीं। लेकिन वो आपकी पहचान आस्ता आस्ता खत्म हो रही है, क्यों, किस लिए, माजी, अब फ्यूचर के बारे में आप जानते नहीं है, बिल्कुल नहीं जानते आप, फ्यूचर का आपको मालूम नहीं है, अब माजी, पिछली बातें, अगली बातें, लेग बोलिंग, हर तरह की नेगेटिव सोच हम लेकर चलते हैं। भाई जितना वसीकत कर रहे हैं पंजाब में वोट दिया, सब यूथ से मैं बात करूं, यूथ को मैं आपको बड़ी साथ है, यूथ को आपसे मैं आज एंगल से लगाता हूं, जब आप मां के दिल में कदर फरमाती है आपकी और खुदा की एक मुलाकात हो चुकी है। और आप में से काफी लोग जो है वो मुझे तकरीबन जानते हैं, जाने पहचाने जो है वो चेहरे हैं, और मेरा ताल्लुक जो है वो फैसलाबाद से ही है, वारिसपुरा से, और मैं तकरीबन पिछले 8 सालों से जो है, उन्होंने कहा कि वो अपने लाइफ एक्सपीरियंस से जो है वो बताएंगी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं थोड़े वक्त में जो है वो अपनी चंद बातें जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी। मेरा जहाँ तक ताल्लुक है कि मैंने छोटी एज में जो है वो इस मुकाम पे जो है वो आई हूँ, ये इसमें जो है वो इतनी तरक्की को जो है वो हासिल कर सकते हैं। एक्चुअली जब मैंने अपनी लाइफ का, अपने करियर का आगाज किया था तो तब मैं कॉलेज में थी। जी, हमारे साथ डॉक्टर सलामत मौजूद हैं जो सोशल एक्टिविस्ट और इस प्रोग्राम के ट्रेनर हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये प्रोग्राम कराने से कौम में कौन सी मजबूती और कौन से इल्म, उन इल्म में इजाफा होता है। जी डॉक्टर साहब। जी, मैं सबसे पहले तो नहायत ही शुक्रगुजार हूँ नेशन न्यूज़ का, और आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि मीडिया की वसासत से भी ये आवाज़ जो वो हमारी कौम तक पहुँचनी चाहिए। ये प्रोग्राम जो अवेयरनेस के प्रोग्राम है, ये वक्त की ज़रूरत है, और बेशक इसमें कोई शक नहीं कि हमारी जो यूथ है वो उसको अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम इस कदर डैमेज हो चुके हैं हर लिहाज से, हर शोबे से, वो इनके हौसले जो हैं वो पुस्त हो चुके हैं। जो प्रोग्राम यहाँ करवाया है अवेयरनेस का, तो वक्त की जो ज़रूरत है, और मैं मैप का एज ए डिस्ट्रिक्ट सदर होते हुए भी मैप ने हमेशा यूथ को आगे लेकर आई है, यूथ को ऐसे प्रोग्राम करवाए हैं, और आज यहाँ इस चर्च में भी हमने ये यूथ का प्रोग्राम। जी डॉक्टर साहब, आप मैप के सदर हैं, तो मैप ने इस हवाले से कितने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराए हैं? जी, चेयरमैन अकमल भट्टी हमेशा यूथ कोई फोकस करते हैं, यूथ को चाहते हैं कि आगे आए, और हम अकमल भट्टी की क़यादत में बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करवा चुके हैं और पूरे पाकिस्तान में करवा रहे हैं, और अब चेयरमैन की हदायत के मुताबिक हम फिर इसे शुरू करने वाले हैं, और हम पाकिस्तान की पूरी माइनॉरिटी के यूथ को आगे लेकर आएंगे, क्योंकि यूथ ही कौम को तब्दील कर सकती है। और आज इस प्रोग्राम से, एक प्रोग्राम की वसासत से, हमारी बेटियों में और हमारे बेटों में बहुत ज़्यादा हौसले बुलंद हुए हैं, क्योंकि वो सब कुछ कर सकते हैं, इनमें ये एबिलिटी है, बस इन्हें पॉलिश करने की ज़रूरत है, और मेरा ईमान है कि इस पॉलिश से ये सिर्फ ये निखर इनमें निखार आएगा, और अकमल भट्टी की क़यादत में जब ये मज़ीद आगे बढ़ेंगे तो पूरे पाकिस्तान में एक रिवाइवल आएगा। राजा साहब की कौन सी सरगर्मियाँ जो कौम के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे? जी राजा साहब। सबसे पहले तो मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने मुझे अच्छी सेहत दी है, और इसके साथ साथ मुझे नॉलेज दिया, और मुझे ये शर्फ हासिल हुआ कि मैं जब 85 में अभी स्टूडेंट था, तो जब मैं MNAs और MPAs और 85 का जो इलेक्शन था उसमें, अभी मैं स्टूडेंट ही था जब देखता था, तो मेरे दिल में भी शौक़ पैदा हुआ कि कभी मुझे भी मौका मिलेगा, मैं भी MNAs की तरह, MPAs की तरह घर घर जाकर लोगों से वोट मांगा करूंगा, और मैं भी एक अच्छा सियासतदान बनूंगा। लेकिन 2000 में मैंने अपनी अमली सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया, तो मैं नासरत कलोनी में UC 271 से काउंसलर मुंतखब हुआ। 2005 में मैं डिस्ट्रिक्ट मेंबर मुंतखब हुआ। 2015 में मैंने चेयरमैन कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ा और मैं डिफीट हो गया। तो अभी
मैं सियासत में खासी दिलचस्पी रखता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कौम की खिदमत करूँ। जब मैं अपनी कौम के लिए कोई काम करता हूँ तो मुझे खुशी महसूस होती है। तो मैं बच्चों को भी ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे अभी से अपने जहन में ये बात बैठा लें कि हमने बड़े होकर पढ़ लिख कर क्या बनना है। तो जो कुछ आपका माइंड है उस पर अपनी स्ट्रगल जारी रखें। थैंक यू। स्टूडेंट से पूछेंगे तो इस क्लास में से उन्होंने क्या सीखा। जी, क्या नाम है आपको? मेरा नाम दबूरा है और इस क्लास का बड़ा हमें फ़ायदा हुआ है। इस क्लास के ज़रिए से हमने ये सीखा है कि हमें अपने गोल सेट करने चाहिए पहले से, ताकि जो प्रॉब्लम्स हमें आगे जाके आती हैं, करियर में आती हैं, वो चीज़ ना हो, बल्कि हम पहले से अगर अपना गोल सेट करते हैं तो इसकी वजह से हमें जो है अपनी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें जो है वो पहले से सॉर्ट आउट हो जाती हैं और हमें आगे जाके मुश्किल नहीं होती। इसलिए हमें अपने पहले से गोल जो है वो सेट करने चाहिए। और इस प्रोग्राम के वसीला से जो है वो हमें बहुत सारी रहनुमाई मिली है और हम चाहते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम्स और ज़्यादा ऑर्गेनाइज होने चाहिए ताकि हमारे बच्चों को अवेयरनेस मिल सके। जी नाज़रीन, हम देख रहे थे, स्टूडेंट हमें बता रहे थे अभी से हम अपने गोल को ठीक करेंगे तो फ्यूचर में हमारी प्लानिंग और बिज़नेस के लिहाज से बहुत आला और बेहतर रहेंगे। जी नाज़रीन, अब हम यूथ ऑर्गेनाइज़र उनसे बात करेंगे कि उन्होंने ये प्रोग्राम कराने का क्या मकसद था। जी भाई, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम असद है और सबसे पहले तो मैं सारा जलाल यूसुफ़ी को देना चाहता हूं। और बेसिकली हमारा जो ये जो प्रोग्राम है जिसमें हमने यूथ अवेयरनेस का सेमिनार रखा हुआ था, इसमें हमने कोशिश की है कि हम मुख्तलिफ़ जो हैं शख्सियात को जो के मुख्तलिफ एनजीओ से तल्लक रखती हैं वो यहाँ पे आए और क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो यंग यूथ है जो वो आने वाला कल है उनको जो है वो अवेयर कर सके कि कैसे वो तलीमी सरगर्मियों में और कारोबारी सरगर्मियों में अपने मुल्क और कौम के लिए खिदमत कर सकते हैं और कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं। इनमें इन्होंने मेहमान खसूसियात खसूसान ने बहुत ही खूबसूरती से उन्हें जो है तलकीन की है कि कैसे उनको अपने सेल्फ मोटिवेशन करने की ज़रूरत है, अपने स्किल्स को देखने की ज़रूरत है, अपने करैक्टर को जो है वो बेहतर करने की ज़रूरत है और बिब्लिकली उन्हें जो है वो गाइड किया है। तो मैं उन सब के लिए उनका शुक्रगुजार हूँ। जी, ये जो यूथ प्रोग्राम है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है पीपल्स एम्पावरमेंट फॉर ह्यूमन राइट्स, जिसको हम पहल पाकिस्तान के नाम से भी जानते हैं। जी नाज़रीन, आजकल का नौजवान अभी से अपने फ्यूचर के लिए फ़िक्र है और फ़िक्रमंद है, इसलिए कि फ़िक्र करेगा तो अपने फ्यूचर में हमेशा कायम रहेगा और अपने गोल को हासिल करेगा। जी, हम एक और स्टूडेंट से जानेंगे इस प्रोग्राम के हवाले से फ्यूचर में क्या सीखे। जी, मेरा नाम ईमान स्टीवन है और मैंने BS अकाउंट्स एंड फाइनेंस बैचलर्स की स्टूडेंट हूँ। मेरा क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी ग्रेजुएशन कम्प्लीट है और नेक्स्ट मैं इसी में अकाउंटेंट फाइनेंस में ही जाऊंगी और एज ए अकाउंटेंट CA जॉब करूंगी। अपनी बेटी से पूछेंगे इस बेटी ने इस प्रोग्राम से क्या सीखा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिस्फा इजाज़ है और इस प्रोग्राम से हमने ये सीखा कि हमें डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा मोटिवेट रहना चाहिए, अपने करैक्टर को बिल्डअप करना चाहिए, अपना करैक्टर मजबूत रखना चाहिए और हमारे पहचान हमारे किरदार से होती है। हमें अपने गोल सेट करने चाहिए और अपनी एजुकेशन पर अपना कमांड रखना चाहिए।